हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द अदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं आर्क सर्वाइवल इवॉल्व। एंड ये हमारा आर्क सर्वाइवल इवॉल्व की सोलो सर्वाइवल सीरीज का होने वाला है एपिसोड नंबर 99। तो जैसे कि आप सभी ने हमारा पिछले एपिसोड में देखा होगा, यहाँ पे हमने गीगा को स्टोन के डायनासोरस गेट के अंदर ट्रैप कर दिया था, पर उसने जो है ना स्टोन के सारे डायनासोरस गेट को तोड़ दिया। एंड उसके बाद हमें क्या ही भगा भगा के मारा। मैं समझ गया था कि हम लोग जो है ना इसको डायनासोरस गेट के अंदर ट्रैप नहीं कर पाएंगे, वो भी स्टोन का। फिर उसके बाद मैं गया फटाफट से अपने बेस में, वहां से निकल मैं अपने वेल्केनो वाले बेस में, और वहां से लेके आ चुका हूं मैं काफी ज्यादा मेटल के डायनासोरस गेट बना के। अभी जो है ना हम लोग इसको इसके अंदर ट्रैप करने वाले। भाई ये यहाँ पे कहां से आ गया, लगता है यहाँ पे से भागना पड़ेगा। ओ भाई ये अपने में अटैक किया, बट गलत सीन हो गया, इधर हमें लेके नहीं आना चाहिए था। मुझे लगता है मुझे इसको अपने पीछे लेके आना पड़ेगा। एंड जिस तरीके से हमने पहले इसको ट्रैप किया था, उसी तरीके से अभी अपने को इसको ट्रैप करना होगा। बट ये तो अपने डायनासोरस गेट में अटैक कर रहा है, बट मैं सबसे पहले अपने मेटल के डायनासोरस गेट की हेल्थ देखता हूँ, कम हो रहा है कि उतना ही है। वैसे मुझे लग तो नहीं रहा है कि इसकी हेल्थ कम होगा, फिर भी एक बार ही चेकआउट तो करना जरूरी बनता है, कहीं हेल्थ खत्म होने लगा भाई अपना दांत काफी ज्यादा दिमाग खराब हो जाएगा। तो अभी जो है ना मैं यहाँ पे घूम ही रहा था, बट जायगंटोसॉरस को पता नहीं क्या हुआ, वो अपने तरफ कुत्ते की तरफ बढ़ चुका है। मैंने जैसे तैसे करके यहाँ पे आया, बट वो अभी ट्रैप के अंदर नहीं घुसा। भाई यही तरीका से मैंने काफी ज्यादा बार करा, फाइनली एक बार ही जो है ना ये अंदर घुस गया था। मैंने कहा यार उस टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, फिर मैंने देखा ये अंदर घुस गया, चलो अब रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। एंड देखो अभी अपन जाते हैं फटाफट से इसके पीछे से, एंड इसको जो है ना हम लोग पूरी तरीके से ट्रैप करेंगे। बस ये पीछे आके अपने को मारे ना, आराम आराम से चलते हैं। ओके ओके भाई डर लग रहा है मेरे को, चलो ठीक है गाइस अब नहीं निकलने का, आ जा बेटे अब मार। नहीं सॉरी। ओके सो फाइनली यहाँ पे ये ट्रैप हो चुका है, अब आएगा ना भीड़ू मजा। बट इसकी सैडल चाहिए अपने को, मुझे नहीं पता इसकी सैडल किस तरीके से मिलेगी, बट कहीं ना कहीं से तो हम लोग जुगाड़ कर ही लेंगे। तो चलिए गाइस अभी जो है ना हम लोगों ने इसको फाइनली ट्रैप तो कर ही लिया है, और फटाफट से अभी जो है ना हम लोग इसको अनकॉन्शियस करते हैं। एंड ट्रैंकुलाइजर एरोज अनलॉकने का राइफल तो है मेरे पास, लगभग 45 ट्रैंकुलाइजर एरोज हैं। सो इतने से तो काम नहीं बनेगा, बट मेरा आरजी किधर है, उसके अंदर काफी ज्यादा ट्रैंकुलाइजर एरोज रखे हुए हैं। ओके ये रहा, तो चलिए चलते हैं फटाफट से इसको लेके। बट उससे पहले मैंने डिसाइड करा, अभी अपने पास नार्कोटिक्स नहीं है, तो मुझे नार्कोटिक्स चाहिए होंगे काफी ज्यादा, क्योंकि अगर मैंने इसको अनकॉन्शियस किया तो इसका टॉर्पर लेवल कम होगा। सो उसका टॉर्पर लेवल कॉन्स्टेंट रखने के लिए मुझे नार्कोटिक्स चाहिए। सो उसके लिए मैं जा चुका था फटाफट से अपने बेस में, क्योंकि अपने को नार्कोटिक्स बना के लेके आना है, बिना नार्कोटिक्स के तो नहीं कर पाऊंगा। तो उसके बाद फाइनली गाइज हम लोग फटाफट से पहुंचे अपने बेस में। एंड सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे नार्कोबेरीज देखना पड़ेगा, तो ऑलरेडी मैंने काफ़ी ज़्यादा नार्कोबेरीज के ट्रीज प्लांट करके रखे हुए हैं। सो लगता है उसमें काफ़ी ज़्यादा नार्कोबेरीज तो होंगे, तो चलो मैं चेकआउट करता हूँ। 300 के अगर स्टैक्स होंगे ना, तो लगभग हम लोग नार्कोटिक्स काफी ज्यादा बना सकते हैं। ओके गाइस इससे भी अपने को लगभग 250 मिला, इससे भी 250, सो लगभग मेरे को 250 अराउंड 5 प्लांट्स है मेरे में, तो 1000 के प्लस तो नार्कोबेरीज इजीली मिल जाएगा। तो सारा उठाता हूँ लेके चलता हूँ, एंड फटाक से जो है ना गाइस हम लोग वो बना लेंगे, क्या बोलते हैं नार्कोटिक्स। बट उससे पहले मैं अपने के लिए खाने के लिए सामान भी लेता हूं ना। तो चलिए गाइस अभी मेरे पास लगभग 1200 के करीब में नार्कोबेरीज है, और मुझे चाहिए थोड़ा सा स्पॉइल मीट। मैं फीडिंग टर्फ में देखता हूं, डेफिनेटली वहां पे काफी ज्यादा होगा। ओके सो यहाँ पे लगभग मेरे को काफी ज्यादा स्पॉइल मीट मिल चुका है, एंड फटाक से जो है ना हम लोग यहाँ पे नार्कोटिक्स बना लेते हैं। सारा इधर ही डाल देना। ओके तो फाइनली गाइज यहाँ पे हम लोगों ने फटाफट से नार्कोटिक्स बनाए, एंड अभी जो है ना लगभग पूरा का पूरा सामान बन के रेडी हो चुका है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 2 स्मूथिंग बाम ले लिया है, क्योंकि एक से हम लोग करेंगे गीगा को टेम, एक से करेंगे हम ग्रिफिन को टेम। तो अभी जो है ना हम लोग फटाफट से चलते हैं, नार्कोटिक्स अपने पास काफी ज्यादा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो फटाफट से मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ, एंड जल्द से जल्द, बट अभी अपने को यहाँ पे इसके लिए प्राइम मीट भी कलेक्ट करना पड़ेगा।
मुझे लगता है रॉमिट से होगा टाइम, बट टाइम काफी ज्यादा जाएगा क्योंकि काफी हाई लेवल का गीगा है। चलो यार सबसे पहले तो इसको अनकॉन्शियस करते हैं, एंड अनकॉन्शियस करना भी एक काफी बड़ा चैलेंजिंग है, तो वो मैं 2x में स्पीड में करूंगा। एंड आप लोग खुद ही देख सकते हो कि हमें इसमें कितने सारे ट्रैंक्विलाइजर एरोज मारे कि तब नॉक हुआ। भाई मैं तो स्टार्ट हो गया, आप देखते रहिए, आप लगभग काफी ज्यादा टाइम लगेगा अपने को, 3-4 मिनट तो 2x स्पीड में लगेंगे, अराउंड 6-7 मिनट तक लगातार जो है ना मैं इसमें ट्रैंक्विलाइजर एरोज मार रहा था, डार्ट मार रहा था। एंड ये मारते मारते जो है ना यहां पे पूरा रात हो गया था, बट फिर भी अनकॉन्शियस नहीं हुआ था, बट जैसे ही रात काफी ज्यादा हो गई थी ना 12-1 बजे करीब ये हुआ था अनकॉन्शियस। भाई ये किधर मार रहा है, लगता है ये जो है ना डायनासोरस गेट में अटैक कर रहा है, बट अभी जो है ना हम लोग मेटल वाले डायनासोरस गेट बना के लेके आए थे उसमें बिल्कुल भी डैमेज नहीं जा रहा है, नहीं तो गाइज ये हमसे कल ही टाइम हो जाता है, एक दिन लेट नहीं होता, बट कोई नहीं हम लोग एटलीस्ट सीखे तो सही गीगा टाइम करना। मैं तो सोच रहा हूं एक हम लोग ये मेल है तो डेफिनेटली एक फीमेल भी टाइम करेंगे इतने हाई लेवल का, सो उसे ढूंढना पड़ेगा, काफी ज्यादा टाइम लगेगा। भाई लगभग हमने 40+ तो ट्रैंक्विलाइजर डार्ट ऑलरेडी यूज कर लिया अभी तक, बट अभी तक तो इसको बिल्कुल भी नहीं हुआ, एटलीस्ट एक बार ही हम लोग इसका टॉरपोर लेवल चेकआउट करें, बट मुझे नहीं लगता चेकआउट करके कोई फायदा, अगर अनकॉन्शियस होना होगा तो डेफिनेटली अपने आप हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ट्रैप है, तो मुझे नहीं लगता इसका टॉरपोर लेवल चेक करके कोई फायदा है। भाई कितने और खाएगा ये, हाँ लगता है काफी खाएगा। सो यहां पे रात काफी हो गया है, बस अब काफी ज्यादा दिक्कत हो सकता है रात को अगर अपने ऊपर किसी डाइनो ने अटैक कर दिया ना, अंधेरी रात में बिल्कुल भी नहीं दिखेगा एक्चुअली में वो कहां से अटैक कर रहा है, सो यहां पे काफी ज्यादा मुश्किलात डेफिनेटली हो सकती है अपने को, बट कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं एकदम समुद्र के बीच में एक पत्थर में खड़ा हूं, तो कोई भी जानवर आएगा तो डेफिनेटली पानी को पार करके आएगा, सो अपने पास ओके लगता है ये यहां पे से भागने की तैयारी कर रहा है, सो मुझे लगता है डेफिनेटली अब अनकॉन्शियस होने वाला है। हाँ बस कुछ देर और हो जाएगा, भाई रात काफी हो गई अब मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है, बस एक अंधे तीर मार रहा हूं मैं, एटलीस्ट सारे के सारे ट्रैंक्विलाइजर डार्ट लग रहे हैं, बारिश भी होने लगा है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है गाइस ये ऑलरेडी अनकॉन्शियस हो चुका है कि होने वाला है, ओके सो फाइनली यहां पे जो है ना अपना गीगा अनकॉन्शियस हो चुका है। सबसे पहले तो मेरे को यहां पे अपने के लिए टॉर्च बनाना पड़ेगा, तो ऐसे करता हूं मैं फटाफट से अपने के लिए टॉर्च वगैरह बनाता हूं। ओके गाइस यहां पे अपना टॉर्च बन के रेडी हो चुका है, अब मुझे जो है ना ओनली मॉर्निंग का वेट कर रहा है, बट मॉर्निंग से पहले मैं इसको थोड़ा सा नार्कोटिक्स खिला देता हूं जो कि मैं इसके लिए लेके आया हूं, क्योंकि अगर मैं सोने जाऊंगा तो डेफिनेटली इसका टॉरपोर लेवल काफी ज्यादा कम होगा, अगर मैं नार्कोटिक्स खिला दूंगा तो एटलीस्ट इसका टॉरपोर लेवल मेंटेन रहेगा, तो अभी हम लोग चलते हैं फटाफट से सोएंगे, एंड सुबह जो है ना हमें इसके लिए मीट भी फार्म करना है, वो भी प्राइम मीट, तो मुझे बुलाना पड़ेगा अपने रैक्स को यहाँ पे, भाई आगे काफी गलत सीन होगा,
तो ओके गाइज, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ कार्नो आइलैंड में, एंड यहाँ पे मैंने अपने रैक्स को बुलाया क्योंकि अपने को प्राइम मीट फार्म करना है, एंड रैक्स से बढ़िया प्राइम मीट मुझे तो नहीं लगता भी कोई फार्म करेगा। एंड अगर मैं खुद से फार्म करता तो आपको पता है प्राइम मीट काफ़ी जल्दी स्पॉइल हो जाता है अगर इंसान के बैकपैक में हो। तो मैंने बुलाया फटाफट से अपने रैक्स को, मैंने कहा मैं जो है ना फटाफट से प्राइम मीट फार्म करूंगा एंड जल्द से जल्द हम लोग अपने गीगा को टेम करेंगे। ओके गाइस, यहाँ पे रैक्स इनटू रैक्स फाइट, अपना रैक्स पर इसको इजीली मार सकता है क्योंकि ये 40 लेवल का है भाई, इसकी औकात कहाँ है अपने रैक्स से भिड़ने की। गया, ओके एक प्राइम मीट भाई, रैक्स काफी कम प्राइम मीट दे रहा है, उससे अच्छा तो अपने को कार्नो दे रहा है भाई। यहाँ पे दो थे, मैंने कहा इससे फाइट लेना तो बनता ही है, एक रैक्स को मारा, अभी इसको बजाऊंगा पहले। सो गाइज, यहाँ पे हम लोगों ने प्राइम मीट काफी देर तक फार्म किया, मैं सोच रहा था कि अपने रैक्स को मैं पार लेके जाऊं, पर रैक्स जो है ना पानी के ऊपर नहीं, पानी के अंदर तैरता है, मैंने कहा ये तो लेके नहीं जाऊंगा। तो मैंने डिसाइड करा फटाफट से सारा का सारा प्राइम मीट मैं उठाता हूँ और सीधा चलता हूँ यहाँ पे से अपने गीगा के पास एंड फटाफट से उसको खिलाकर टेम कर लूंगा। बट मेरा बैकपैक में रहा तो डेफिनेटली काफी जल्दी स्पॉइल होगा, तो मैंने वो सारा का सारा प्राइम मीट डाला अपने आरजी के बैकपैक में और चलते हैं भाई। थोड़ा सा मजा तो आ रहा है इसको टीम करने में, बट देखिए अभी सैडल का जुगाड़ कर रहे हैं अपने को, क्योंकि अपना लेवल नहीं है कि अपना गीगा का सैडल अनलॉक हो, तो मुझे पता है थोड़ा सा हम लोग अगर हार्ड केव करेंगे तो डेफिनेटली अपने को वहां से गीगा के सैडल का ब्लूप्रिंट तो इजीली मिल जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो हम लोग गीगा का सैडल का ढूंढेंगे जुगाड़। तो अभी जो है ना हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, फटाफट से इसको खिलाते हैं आप स्मूथिंग बैम एंड उसके बाद हम लोग देंगे सीधा क्या प्राइम मीट। एक स्मूथिंग बैम दिया, ओके यूज कर लिया ये, अब फटाफट से सारे का सारा प्राइम मीट जो है ना वो निकालते हैं, फटैक्स को देते हैं। भाई मैं इतना सारा फार्म करके लाया हूं, डेफिनेटली इतने में तो इजीली हो जाएगा, बट यार ये तो एक ही उसमें 30% टाइम हो रहा है। ओके सो अपना गीगा यहां पे फाइनली टाइम हो चुका है। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा एंड आज भी हम लोगों ने फाइनली गीगा टीम कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हम लोग गीगा का सैडल बनाएंगे एंड उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने के लिए टीम करने वाले ग्रिफिन, तो लेवल देखना पड़ेगा, लेवल तो मुझे नहीं लगता अभी हो पाएगा। बट चलिए गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट करना एंड मन करे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं गाइज हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर योर लवली सपोर्ट।